तो हेलो गाइस, अभी हुआ क्या, अगला वीडियो आपने देखा, हम बागा कलंगूट और अरंबोल बीच पर गए थे और अभी का हमारा घूमने का स्टेटस है टीटोस लेन। तो टीटोस लेन में क्या सिचुएशन है अभी का, तो वो हम आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। तो अभी जा रहे हैं हम टीटोस लेन, हम होटल में खाना खाया हमने और अभी थोड़ा पूरा दिन से थके हैं, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा चिल करते, बीच साइड सेक है वो सेक का एंजॉय करते हैं और टीटोस लेन में घूम के जाते। टीटोस लेन की जो सिचुएशन है वो भी हम आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए मेरे इस व्लॉग में। आगे आपको टीटोस लेन बता रहा हूँ और टीटोस लेन के बाद आपको बागा बीच सेक क्या क्या उस वहाँ पे सर्विस अवेलेबल है आपके लिए, तो वो हम आपको दिखाते हैं। तो चले मेरे साथ टीटोस लेन और बागा बीच सेक, चलो। तो गाइस नाइट को आएंगे आपको तो ऐसा क्राउड देखने को मिलेगा, यहाँ पे 9 बजे से क्राउड ज़्यादा हो जाता है, तो देख सकते हैं आप क्राउड कितना हो गया इस पर अभी। तो अभी आप फोर व्हीलर लेके आएंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत रहेगा, और आप टू व्हीलर लेके आएंगे या पैदल आएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, आपको ट्रैफिक का सामना कम करना पड़ेगा, और फोर व्हीलर में आपको ज़्यादा दिक्कत रहता है क्योंकि यहाँ पे सभी लोग यहाँ टीटोस लेन की और आते हैं तो क्राउड और बढ़ता ज़्यादा ही जाएगा। तो गाइस आपका जैसा है कुछ बस, वहाँ सामने से टीटोस लेन जो गाड़ी मुड़ी ना लेफ्ट में, वहाँ से टीटोस लेन स्टार्ट होता है। गाइस ऐसे यहाँ पे देखिए भारत कहाँ पे है ना रेस्टोरेंट, वहाँ से टीटोस लेन का स्टार्टिंग होता है। तो भाई ये टीटोस लेन और टीटोस लेन की और हम जा रहे हैं आगे और यहाँ से आगे बागा बीच निकलेगा और यहाँ पे काफ़ी सारे पब्स क्लब्स है यहाँ पे, यहाँ पे कपड़े शॉपिंग और ज्वेलरीज है, यहाँ पे फूड है, आप वेज नॉन वेज जो भी खाना चाहते हैं यहाँ पे अवेलेबल है, और यहाँ पे कपड़े की शॉप आपको ज़्यादा में देखने को मिलेंगी, और यहाँ पे कपड़े और क्लब जो सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे द पिंक एलिफेंट नाम का एक क्लब है, वहाँ पे भी आपको जाना है तो जा सकते हैं। आगे आएगा बागा पार्लिया और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है यहाँ पे, और यहाँ पे बैग्स, पर्स बैग्स, ज्वेलरीज ऐसे कुछ है। डाउनटाउन नाम का एक यहाँ पे भी एक क्लब है, वहाँ पे भी जा सकते हैं आप, और वहाँ सामने पार्किंग है, आप गाड़ी वगैरह लाएँ वो बाइक एक्टिवा जो भी वहाँ पे आप पार्किंग कर सकते हैं। तो गाइस ये है होटल और उसके बाजू में ही यहाँ पे एक पे पार्किंग है, वहाँ पे आप कार लेके आएंगे तो आपको वहाँ पार्किंग करना मिलेगा। ये दोस्तों टीटोस जो गोवा का फेमस तो गाइस यहाँ पे सामने ऐसा एक सर्कल आएगा। तो गाइस जो टीटोस लेन है उसका जो पहला शॉप टीटोस में जो लेन में जो स्थापित किया था वो टीटोस हेनरी डिसोजा ने किया था, और 1971 में ये पूरा लेन वहाँ से तब से ये फेमस हुआ है। पहला ही क्लब का जो रिनोवेशन किया था वही हेनरी डिसोजा ने किया था, जो टीटोस हेनरी डिसोजा पूरा नाम है, और ये पूरा लेन तब से फेमस हो चुका है। आप देख ही सकते हैं क्राउड कितना ज़्यादा है यहाँ पे, और काफ़ी सारे लोग यहाँ से सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं यहाँ पे
पूरा देश यहाँ से आता है। और सर्कल में बाजू में एक ऐसा एक मार्बो नाम का एक क्लब है, मार्बो क्लब, और ये है सर्कल। और सर्कल से आपको, सर्कल की उस तरफ आपको बीच पे जाने का मिलेगा और वहाँ जाके बीच पे एंजॉय कर सकते हैं आप। बीच से है जो जहाँ पे आपको बिना पैसे आपको नाचने का, डांस करने का मिलेगा। तो चलते हैं मेरे साथ। तो गाइस अभी के 11:30 बजे और 11:30 बजे बीच से सभी बागा कलंगूट साइड के सभी बीच से बंद हो जाते, तो हमने यहाँ पे आके विजिट किया। तो आप देख ही सकते हैं सब म्यूजिक सब कुछ ऑफ है और लोग आते हैं और बीच साइड पे बैठ के चिल करते, बैठते और चले जाते। तो ऐसा कुछ सिचुएशन है अभी, देख सकते हैं आप। ये रहा बीच से एकदम शांत, क्योंकि बीच के साइड को जो बीच से होते हैं वो 11:30 बजे बंद हो जाते हैं, 11 या 11:30 बजे। और आपको जो ओपन मिलेंगे वो क्लब मिलेंगे जो टीटोस लैंड की तरफ है।